नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X4 Pro 5G वर्सेस Eco Neo 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.46 इंच जबकि Neo 6 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि X4 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X4 Pro 5G में 0.32 इंच जबकि Neo 6 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X4 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X4 Pro 5G में 205 ग्राम जबकि Neo 6 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि Neo 6 5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X4 Pro 5G में 86.01% जबकि Neo 6 5G में 85.3% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X4 Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Neo 6 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X4 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X4 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Neo 6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X4 Pro 5G में Adreno 619 जबकि Neo 6 5G में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Neo 6 5G में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो X4 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि Neo 6 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X4 Pro 5G में Android V11 जबकि Neo 6 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी X4 Pro 5G में 5000 mAh जबकि Neo 6 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X4 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि Neo 6 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X4 Pro 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें न्यू 6 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,490 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको X4 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इको न्यू 6 5G की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में न्यू 6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Moto G 5G है, तीसरा OnePlus 9 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।